के अवसर पर लोकप्रिय हिंदी दैनिक दैनिक जागरण समूह के सहयोग से आयोजित आज के इस दीपांजलि कार्यक्रम में उपस्थित झांसी के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री अनुराग शर्मा जी, माननीय विधायकगण श्री राजीव सिंह परीक्षा जी, श्री जवाहरलाल राजपूत जी, श्री रवि शर्मा जी, दैनिक जागरण से उपस्थित श्री यशोवर्धन गुप्त जी, हरगोविंद कुशवाहा जी, सभी अन्य मान्य जनप्रतिनिधिगण, जिला प्रशासन से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए सामाजिक व्यापारिक राजनीतिक दलों के सभी उपस्थित पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी के 192वें जन्मदिवस के अवसर पर आप सभी ने भारत माता की इस महान वीरांगना का स्मरण किया, आप सबको इस आयोजन की हृदय से बधाई देता हूं। और वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के देश और धर्म के लिए त्याग और बलिदान के लिए उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने भारत की नारी शक्ति के शौर्य और पराक्रम को विदेशी हुकूमत के सामने किस रूप में प्रस्तुत किया यह किसी से छुपावा नहीं है। और जब भी महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है, भारत की प्रत्येक नारी का सिर पूरे गौरव के साथ खड़ा होकर के एक नए तेज और उस के साथ देश और दुनिया के सामने भारत की नारी गरिमा और नारी गौरव का प्रतीक बनकर के उभरता है। उनके शौर्य और पराक्रम के सामने ही विदेशी हुकूमत को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और उनका यह संकल्प कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, ये मातृभूमि के प्रति उस महान वीरांगना के मन में उन भावों को प्रदर्शित करता है जो प्रत्येक भारतीय के मन में अपनी मातृभूमि के अंदर सदैव रहना चाहिए। ये लड़ाई केवल झांसी के लिए नहीं थी, झांसी एक प्रतीक है, अपनी मातृभूमि की रक्षा विदेशी हुकूमत से करना, उसकी स्वाधीनता और उसकी स्वतंत्रता को हर हाल में बरकरार रखना, यही महारानी लक्ष्मीबाई का संकल्प था जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान भारत की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए दिया था। आज जब झांसी में 192 वर्ष पूर्व उस महान वीरांगना के इस जन्मदिवस के कार्यक्रम को आप सब आयोजित कर रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि 192 वर्ष पूर्व
रानी महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म उत्तर प्रदेश में ही काशी में हुआ था, और काशी और झांसी के साथ जो संवाद आगे जुड़ता है, ये आज भी हम सब की स्मृतियों को और मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों की दिशा में हम सबको नई प्रेरणा और एक मार्गदर्शन भी है। घटनाएं हम सबके सामने करती हैं। मैं धन्यवाद दूंगा दैनिक जागरण समूह को जो दीपांजलि के इस कार्यक्रम के साथ भारत माता की इस महान वीरांगना के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त कर रही है। हमारे माननीय विधायक गण श्री राजीव सिंह परीक्षा जी ने, श्री जवाहरलाल राजपूत जी ने मुझे इसके बारे में आमंत्रण भी दिया था, और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं इस अवसर पर स्वयं झांसी में आकर के भारत माता की इस महान वीरांगना को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करके हुए उनकी स्मृतियों को नमन करूं। लेकिन पहले से ही जो कार्यक्रम मेरे सुनिश्चित थे उन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे वर्चुअली आपके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और आपने मेरे इस अनुरोध को स्वीकार किया है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हम सब जानते हैं कि इस समाज में कोई व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, वो योग्यता से परिपूर्ण है। उसे उस प्रकार का अनुकूल अवसर मिलना चाहिए, और फिर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जिस माहौल में पढ़ी थी, बढ़ी थी, उस माहौल ने उन्हें अपनी मातृभूमि के लिए प्रेरित किया कि मैं हरगिज झांसी को प्रतंत्र नहीं होने दूंगी, और उनका संकल्प ही था कि आने वाले समय में उनका सर्वोच्च बलिदान भारत की नौजवानी के लिए, भारत के नौजवानों के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए एक नई प्रेरणा बनती है, और देश को आजाद होने में कुछ ही दशक के बाद भारत स्वाधीनता का आनंद लेता हुआ महसूस करता है। अपने इन्हीं वीर और वीरांगनाओं के प्रति नमन करते हुए आज केंद्र और प्रदेश सरकार अनेक कार्यक्रम संचालित कर रही है। आप सब जानते हैं जिन बालिकाओं के द्वारा अद्भुत साहस का कार्य किया जाता है, उन्हें महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर विशेष सम्मान का प्रावधान शासन स्तर पर किया गया है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर जो हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, खासतौर पर बालिकाओं में, उन्हें लक्ष्मीबाई पुरस्कार से प्रदेश सरकार सम्मानित करती है। लेकिन यह एक पक्ष है, इसका एक विस्तृत आयाम है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, याद करिए 2014 में सरकार बनने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम रहा हो, या फिर नारी गरिमा की रक्षा के लिए स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से पूरे देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने के लिए किया गया कार्यक्रम, ये केवल
स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का या स्वच्छता के प्रति जागरूकता का कार्यक्रम नहीं था, अपितु तो स्वच्छता और स्वास्थ्य का आपसी संबंध तो है ही। ये नारी गरिमा का प्रतीक भी बना। स्नातक तक बालिकाओं की शिक्षा मुफ्त हो, प्रदेश सरकार ने 2017 में आने के बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और बढ़ाने के साथ ही अनेक कार्यक्रम प्रदेश में, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो, प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना हो, जन्म से लेकर के विवाह तक बालिकाओं को हम शासन की योजनाओं के साथ जोड़ेंगे। हर बालिका हमारे लिए वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की प्रतीक है और उसके प्रति वही सम्मान का भाव व्यक्त हो, इसे ध्यान में रख करके सरकार ने ये सभी कार्यक्रम प्रारंभ किए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बालिका के जन्म लेते ही जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा, एक निश्चित राशि उस बालिका के खाते में शासन के द्वारा दे दी जाएगी। बालिका एक वर्ष की होगी और सभी प्रकार के टीकाकरण से आच्छादित होने के बाद उस बालिका के नाम पर एक निश्चित राशि शासन देगी। बालिका पहली क्लास में जाएगी तो उसके नाम पर रजिस्ट्रेशन होने के साथ ही एक निश्चित धनराशि उस परिवार को मिल जाएगी। बालिका छठी क्लास में जाएगी, एक निश्चित धनराशि उस बालिका के नाम पर उस परिवार को उपलब्ध हो जाएगी। बालिका नौवीं क्लास में जाएगी, एक निश्चित धनराशि उस परिवार को उपलब्ध हो जाएगी और इसके उपरांत बालिका कोई सर्टिफिकेट कोर्स, कोई डिग्री कोर्स, कोई डिप्लोमा कोर्स करती है तो एक निश्चित राशि उस परिवार को मिलेगी। यानी जन्म से लेकर के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करने तक 15,000 की धनराशि बालिका के नाम पर कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से सरकार उस परिवार को उपलब्ध करा रही है। साथ ही साथ बालिका शादी योग्य हो गई है, परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह शादी विवाह के लिए उतनी धनराशि जुटा सके, प्रदेश सरकार के द्वारा 51,000 रुपये प्रत्येक बालिका की शादी के लिए सामूहिक, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से भी देने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि एक वर्ष में 1,00,000 से अधिक बालिकाओं की शादी इस कार्यक्रम, इस योजना के माध्यम से संपन्न हुआ। आप सोचिए आखिर इतनी बालिकाएं ऐसी थी, इतने परिवार ऐसे थे जो पहले इन योजनाओं के साथ नहीं जुड़ पा रहे थे, उनके यानी उन बालिकाओं की शादी में समस्या थी, आज समाज उसके साथ जुड़ा है और समाज जुड़कर के शासन की योजनाओं के साथ समाज जुड़ता है उसके परिणाम उतने ही अच्छे सामने आते हैं और ये परिणाम हमें इस बारे में इंगित करते हैं कि समाज की रचनात्मक दृष्टिकोण है लेकिन उसे लीडरशिप चाहिए, उस प्रकार का नेतृत्व चाहिए। और जहां पर भी हमारे माननीय सांसद और विधायकों ने इसमें रुचि ली वहां पर इसके बहुत बेहतर परिणाम सामने आए हैं। मैं इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों को रुचि लेने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। प्रदेश में वर्तमान में हम लोगों ने मिशन शक्ति के नाम पर एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है, बालिकाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन को ध्यान में रखते हुए। याद रखना कि कोई समाज नारी गरिमा के प्रतिकूल आचरण करके कभी गौरव की अनुभूति नहीं कर सकता और आगे नहीं बढ़ सकता। यह हमारा दायित्व बनता है कि हम नारी गरिमा की रक्षा भी करें, उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल भी उपलब्ध करवाएं। ये समाज की भी जिम्मेदारी बनती है और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है और इसलिए 3 चरणों में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। पहले चरण में हम लोगों ने मिशन शक्ति के रूप में व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और प्रत्येक थाने में एक
महिलाओं के सम्मान प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिसमें कोई महिला पुलिस अधिकारी या महिला कांस्टेबल हर समय महिला पीड़ित महिलाओं की बातों को सुनने, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बैठ करके इस कार्यक्रम को एक मिशन मोड के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। इसके सेकंड फेज में हम लोग एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यह कार्यक्रम बहुत शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है और इस चरण में हम लोग प्रदेश की सभी 350 तहसीलों में भी एक महिला प्रकोष्ठ का गठन करेंगे, जहां पर महिलाओं के लिए स्पेशल सुरक्षा की व्यवस्था, उनकी उनके साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अन्याय में उनकी समयबद्ध सुनवाई हो सके, इसकी तैयारी हमारी युद्ध स्तर पर चल रही है। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और तीसरे चरण में स्वावलंबन का एक व्यापक कार्यक्रम महिला स्वयंसेवी समूह आज किस रूप में कार्य कर रहा है, आपके झांसी में लोनी जो दुग्ध समिति है उसके द्वारा किए गए कार्य अभिनंदनीय हैं, स्वागत योग्य है। और मैं इस दुग्ध समिति को, जिन्होंने बहुत कम समय में एक बेहतर कार्य करने का प्रयास किया है, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। लेकिन प्रदेश सरकार ने कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं और खासतौर पर एक बहुत सारे स्थानों पर कोटे की दुकानों की जो शिकायतें थीं, वहां पर महिला स्वयंसेवी समूह को हम लोगों ने राशन कोटे की दुकान उपलब्ध करवाई है। ये पंजीरी वितरण में जो धांधली होती थी, बाल पुष्टाहार में, इस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रयास किया है कि पूरे प्रदेश में यह कार्य महिला स्वयंसेवी समूह को उपलब्ध हो जाए और महिला स्वयंसेवी समूह को जहां पर यह कार्य उपलब्ध हुआ है वहां पर वे सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रही है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में टेक्नोलॉजी कितनी उपयोगी हो सकती है, टेक्नोलॉजी कैसे जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकता है। आज तो ऐसा भी नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कि 100 रुपया भेज रहे हैं लेकिन गरीब के खाते में 10 ही रुपया पहुंच रहा है। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा से, उनके प्रेरणा से अगर 100 रुपये भेजे जाते हैं तो पैसा उस गरीब के खाते में सुनिश्चित होकर जाता है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इसका लाभ वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में देखा है 87 लाख लाभार्थी प्रदेश के अंदर हैं और इन 87 लाख लाभार्थियों के खाते में हमने पैसा डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक किया, उनके अकाउंट में पैसा चला गया। इसी प्रकार से जनधन अकाउंट धारी जितनी भी महिलाएं थी, लाभार्थी थी, उन महिला लाभार्थियों के खाते में भी धनराशि लॉकडाउन के दौरान डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक करने के बाद उनके अकाउंट में पूरा पैसा चला जाता था और इसका परिणाम हमें देखने को मिला। जब मैं इस बार मार्केट की उसको देख रहा था कि क्या स्थिति है मार्केट की दीपावली और उसके पहले की स्थिति, मुझे बताया गया कि हर गरीब मार्केट में खरीदारी करने के लिए गया। खरीदारी व्यक्ति तभी करता है जब उसकी जेब गर्म होती है, जेब में पैसा होता है और इसका मतलब यह पैसा उस गरीब के पास पहुंचा और जब उसको लगा कि पर्व और त्योहार आया है, वो बाजार में गया, बाजार में खरीदारी करने के लिए गया और मार्केट में पैसा का जो सर्कुलेशन है ये मार्केट की क्षमता को बढ़ाता है, लोगों में रोजगार की संभावनाओं को विकसित करता है। और ये चीजें हम लोगों ने दीपावली के अवसर पर पूरे प्रदेश के अंदर देखा है। हर गांव में हम लोग एक पंचायत भवन का निर्माण कार्य कर रहे हैं, एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी और पंचायत भवन का निर्माण भी। प्रदेश के अंदर हमारी 59,000 ग्राम पंचायतें हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो रहा है
जहाँ पे हो चुका है वहाँ पे कोई भी गरीब निराश्रित महिला है, उस शौचालय की देखभाल का जिम्मा उस महिला को दिया गया है और 6,000 रुपये उसे ग्राम प्रधान निधि से हर महीने मिला करेंगे। 59,000 ऐसी महिलाओं को वहाँ पे रोजगार उपलब्ध हुआ है। तो दूसरा, ग्राम सचिवालय के निर्माण कार्य को भी प्रगति के साथ आगे बढ़ाने के साथ हम लोगों ने प्रयास किया है कॉमन सर्विस सेंटर हर ग्राम पंचायत में बने, एक मिनी सचिवालय बने और इस मिनी सचिवालय को विकास की एक कड़ी के साथ जोड़ा जाए। गांव का व्यक्ति वरासत के लिए तहसीलों का चक्कर क्यों काटेगा? आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के लिए उन्हें जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा, गांव में ही कॉमन सर्विस सेंटर में उन्हें यह सुविधा प्राप्त होगी और इसके साथ ही बैंकों में भी नहीं जाना पड़ेगा। बैंकिंग क्रॉस्पोंडेंट सखी के माध्यम से हम लोग इस सुविधा को हर ग्राम पंचायत के साथ जोड़ना चाहते हैं। पैसा जमा करने भी और पैसा निकालने की सुविधा भी बैंकिंग क्रॉस्पोंडेंट के माध्यम से, बैंकिंग क्रॉस्पोंडेंट सखी के माध्यम से महिलाओं को इस सुविधा देंगे और बाकी जो पुरुष होंगे उनके लिए, जो बैंकिंग क्रॉस्पोंडेंट होंगे उनकी। हर ग्राम पंचायत में नए रोजगार सृजन का द्वार खुल रहा है। बिजली का बिल आप ग्राम पंचायत के कॉमन सर्विस सेंटर में जमा कर पाएंगे, यह रोजगार सृजन का भी माध्यम है और मातृशक्ति के स्वावलंबन के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाता है। याद करिए, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस में 1,37,000 से अधिक पुलिस कर्मी भर्ती किए, रिक्रूट भर्ती किए और इसमें महिलाओं के भर्ती के लिए 20% हम लोगों ने आरक्षण दिया। आज देख रहे होंगे बालिकाएं जगह जगह उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी सेवाएं अब दे रही हैं। पीएससी की 3 नई बटालियन का गठन हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किया। ये 3 बटालियन बदायूं में, लखनऊ में और गोरखपुर में बहुत शीघ्र कार्य करती हुई दिखाई देंगी। प्रदेश के अंदर कस्तूरबा गांधी जितने भी जूनियर हाई स्कूल थे इनका अपग्रेडेशन करके इंटरमीडिएट तक इसको संचालित करने की एक बड़ी कार्रवाई को हाथ में लेकर के कार्य प्रारंभ हुआ है। यानी मातृशक्ति के लिए के सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए प्रदेश सरकार के स्तर पर और केंद्र सरकार के स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और मुझे लगता है कि पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि जो त्याग और बलिदान देश के लिए और मातृभूमि के लिए महान वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की धरती से देकर के एक नया संदेश दिया था, वह संदेश एक एक जन तक, एक एक नागरिक तक, एक एक परिवार तक और पूरे प्रदेश और पूरे देश तक पहुंचना चाहिए। ये सभी कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। मैं आज के इस अवसर पर दीपांजलि का ये जो कार्यक्रम आज झांसी के अंदर हो रहा है, मैं दैनिक जागरण परिवार को, अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को और जिला प्रशासन को, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि दीपांजलि के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प के साथ भी जुड़ेंगे जिन्होंने कहा था कि दीपावली के अवसर पर एक दीप सैनिक के नाम, और आज तो झांसी लाखों दीप जलाएगा महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर, उनकी स्मृतियों के नाम पर, भारत की बालिका और वो के सशक्तिकरण की दिशा में मिशन शक्ति के कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके इस पूरे कार्यक्रम की सराहना करते हुए इस सभी आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब के प्रति अपनी मंगलमय कामनाएं देते हुए वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की स्मृतियों को एक बार फिर से नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।